भारत और श्रीलंका के बीच T20 सीरीज शुरू हो रही है। टीम इंडिया ने वनडे सीरीज को शानदार तरीके से जीता, पहला मैच गवाया, लेकिन बाउंस बैक जबरदस्त रहा था टीम इंडिया का। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट बनिंदर सिंह मौजूद है, उनके साथ हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं किस तरीके से रोहित शर्मा ने वनडे सीरीज में जबरदस्त जीत दर्ज की थी और अब उनके सामने है T20 का चैलेंज। तो वनडे सीरीज में धमाकेदार जीत टीम इंडिया ने दर्ज की, पहला मैच गंवाया था लेकिन उसके बाद जबरदस्त कमबैक करते हुए 2-1 से सीरीज को अपने नाम किया और अब रोहित शर्मा का टेस्ट होने वाला है T20 की कैप्टेंसी में। मनी सर, वैसे तो IPL में T20 में कैप्टेंसी कर चुके हैं रोहित शर्मा, लेकिन वनडे क्रिकेट में आपने उनकी कैप्टेंसी देखी होगी, 3 मैचेस में कैसी आपको उनकी कैप्टेंसी लगी? आपको लगा कि टीम इंडिया ऑटो पायलट मोड में है, कैप्टन बदलने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, खिलाड़ी हैं, कोच अपना काम देख रहे हैं? बहुत बढ़िया वर्ड आपने यूज किया, एक्चुअली ऑटो पायलट मोड में है, क्योंकि जिस तरह से पहला मैच हारी थी इंडियन टीम उसको आदत पड़ चुकी है जीतने की, तो हमने देखा दूसरे मैच में किस तरह से वापसी की। लेकिन रोहित शर्मा ने जो जिम्मेदारी से वो बैटिंग की, मैं सिर्फ यही अंदाजा लगा रहा हूँ कि आगे आने वाले टाइम में ये जो कैप्टनसी उनको मिली है इसका फायदा इंडियन टीम को मिल सकता है, क्योंकि उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होने लगेगा। हालांकि तीसरे मैच में भी वो रन नहीं बना पाए, लेकिन जिस तरह से बैटिंग की थी दूसरे मैच में लग रहा था कि अपने आप को अप्लाई किया उन्होंने, और फिर उसके बाद उन्होंने जो दोहरा शतक लगाया, सो आई थिंक ऑटो पायलट मूड में है, इस टीम को आदत पड़ चुकी है जीतने की, और वो जो आदत है मेरे ख्याल से, वो जो नशा है वो बहुत बड़ा नशा है, बहुत बड़ा हाई है जो कि इस इंडियन टीम को है। चाहे इसमें कोई भी खिलाड़ी आ जाए, लेकिन जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी होते हैं वो ऐसा जेल करा लेते हैं यंगस्टर्स को कि उसका हमें मैदान के ऊपर रिजल्ट दिखता है। मनी सर, चलिए IPL की जैसे हम बात करते हैं, जिसमें रोहित शर्मा ने कैप्टेंसी की है, कई बार मुंबई इंडियंस को खिताब भी दिलाया है, इंटरनेशनल T20 शायद डिफरेंट होगा उस टाइप की कैप्टेंसी से, और यहाँ पर आपको एक नए मोड में आना पड़ेगा क्योंकि आप उसके हैबिचुअल नहीं है, प्लेयर्स अलग होते हैं। अब बिल्कुल प्लेयर्स अलग होते हैं, और ये इंडियन टीम की कैप्टेंसी है, वो मुंबई इंडियंस की कैप्टेंसी है, थोड़ा सा प्रेशर में फ़र्क तो ज़रूर होगा, क्योंकि जब आप इंडिया के लिए कैप्टेंसी कर रहे हैं तो आपके दिमाग में एक चीज़ और होती है कि अगर मैं अच्छा काम करूँगा तो आगे आने वाले टाइम में मुझे कैप्टेंसी मिल भी सकती है जब विराट कोहली नहीं हो। सो ये एक टेस्ट होगा। दूसरा एक बहुत बड़ा टेस्ट है रोहित शर्मा के लिए, वो ये है कि अब सारे यंगस्टर्स हैं, आप देख लीजिए वनडे क्रिकेट में शिखर धवन थे, उनको टीम वो T20 की टीम में इस समय नहीं है, शायद आराम दे रहे हैं, विराट कोहली खुद नहीं है, उनके जो मेन फास्ट बोलर्स हैं वो सब भी टीम में नहीं है। सो ऐसे में ये टेस्ट पता चलेगा, ये टेस्ट बताएगा कि उनकी कैप्टेंसी में कितना दमखम। जी हाँ बिल्कुल, और देखना होगा कि किस तरीके से रोहित शर्मा वहां पे परफॉर्मेंस देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि आखिरी मैच जो हमने वाइजैक में जीता, धवन ने शानदार शतक लगाया था, टीम इंडिया को जीत दिलाई थी, मैन ऑफ द सीरीज शिखर धवन बने थे वनडे सीरीज की अगर बात करें, लेकिन T20 सीरीज में रोहित शर्मा के पास शिखर धवन का साथ नहीं है, ऐसे में क्या टीम इंडिया को नुकसान हो सकता है? देखिए इस रिपोर्ट में मनीष, हालांकि ये तो पहले ही तय हो गया था कि शिखर धवन T20 सीरीज में शिरकत नहीं करेंगे, लेकिन एक इनफॉर्म बल्लेबाज जब आपके साथ ना हो और आप कप्तानी संभाल रहे हो, ऐसे में कितना प्रेशर डालेगा ये रोहित शर्मा, क्योंकि ओपनिंग भी करनी है और जोड़ीदार भी साथ नहीं है? नहीं, शायद और जिम्मेदारी का एहसास होगा, क्योंकि पता है कि इतने सीनियर प्लेयर्स जो हैं जो उनको मैचेज जिता सकते हैं वो टीम में नहीं है, तो उनको और अप्लाई करना पड़ेगा। सो ये रोहित शर्मा की बैटिंग के लिए अच्छा हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि KL राहुल, जो कि मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया प्लेयर है, लेकिन कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, शायद कैप्टन का जो कॉन्फिडेंस है उनको उसकी वजह से KL राहुल को ओवर कॉन्फिडेंस हो गया है, सो उनके पास एक और मौका होगा। हालांकि T20 क्रिकेट को मैं पैमाना नहीं मानता हूँ किसी को, किसी खिलाड़ी को जज करने का, लेकिन एक चीज जज हो सकती है, ये KL राहुल के लिए तो नहीं कह रहा हूँ क्योंकि वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हैं, रन बना चुके हैं, बता चुके हैं कि मेंटली वो स्ट्रांग है, केवल कंसिस्टेंसी की कमी है, लेकिन जो बाकी यंगस्टर्स होंगे उनके लिए पता चल जाएगा कि कितना उनमें दमखम है, कितने वो तैयार हैं और कितना इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए मेंटली वो प्रिपेयर है। मनीष सर, क्या आप ये मानते हैं कि जो भारत की तेज गेंदबाजी की चौकड़ी है उसमें विराट कोहली को सबसे ज्यादा भरोसा मोहम्मद शमी पर है, उनकी लाइन लेंथ की वजह से, शायद आज ईशांत शर्मा पे इतना ना हो, भुवनेश्वर कुमार पे इतना ना हो, उमेश यादव पे इतना ना हो, और इनका फॉर्म में रहना बहुत जरूरी है साउथ अफ्रीका दौरे के लिए? बिल्कुल, देखें इन सिर्फ विराट कोहली का भरोसा इन पे नहीं है, सिलेक्टर्स का है, कोच का है, और अगर हम भी क्रिकेट देखते हैं जो क्रिकेट प्रेमी है हमें भी लगता है कि अगर 100% फिट हो शमी तो बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। इंडियन बोलर्स के पास अगर शमी फिट है, ईशांत शर्मा फिट है, जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग की श्रीलंका के अगेंस्ट, भुवनेश्वर फिट है, ये खतरनाक साबित हो सकते हैं उन पिचेस के ऊपर जो साउथ अफ्रीका में है। केवल एक चैलेंज इनके इन सभी बॉलर्स के सामने रहने वाला है, वो है कुकुबुरा बॉल को किस तरह से यूज़ करना है, क्योंकि पिछले दौरे का आपने बताया 4 मैचेस में केवल 6 ही विकेट ले सके थे। सो अब देखना यह है कि इनको भी पहले भेजा जाता है, जो बैट्समैन है आपके उनको भी पहले भेजा जाता है साउथ अफ्रीका, ताकि कंडीशंस के भी एक्लेमेटाइज हो जाए और आपके फास्ट बोलर्स आदि हो जाए कि किस तरह से यूज करनी है कुकुबुरा की बॉल। जी और बहुत जरूरी भी है कि BCCI प्लानिंग करे, हालांकि रवि शास्त्री अलग मानते हैं, वो कहते हैं धर्मशाला में कैंप लगाइए और वहां पे ज्यादा दिन प्रैक्टिस करें क्योंकि कंडीशंस अच्छी मिल सकती है।